दोस्तों तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त आज से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 शुरू हो चुके हैं और ये एग्जाम जो है दोस्तों 12 अगस्त से 12 सितंबर तक चलने वाले हैं। चूंकि आज जब पहली शिफ्ट की जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग पर कोई पेपर हुआ है या नहीं हुआ है इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे जब देखा कि काफ़ी लोग एनालिसिस करा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जो मेरे सोर्सेस थे जहां से मैंने पता किया, सबसे पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप पे लगभग 7000 बच्चों का डाटा है, 7000 बच्चों के मतलब नंबर सेव हैं, तो उनमें मैंने स्टेटस लगाया कि भाई किसी का एग्ज़ाम हो तो हमें प्रश्न भेजें। तो वहाँ से मुझे किसी का भी उत्तर नहीं आया कि सर मेरा पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ग्वालियर में हमारे पाठशाला गुरुजी गए थे, ठीक है, तो उन्होंने ग्वालियर के सारे सेंटर ढूंढ लिए थे, वहाँ पर उनको किसी भी सेंटर में सुबह की शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर नहीं मिला पुलिस एग्जाम का। दूसरे एग्जाम के पेपर जरूर हो रहे हैं अन्य सेंटर्स में, ठीक है। इंदौर में भी जो हमारे साथीगढ़ हैं, काफ़ी कोचिंग है वहाँ पे, तो उन सभी ने भी प्रयास किए। इंदौर में जितने भी सेंटर थे, आपके सरल टॉक के गिरराज सर भी गए थे सुबह, तो मतलब नहीं मिला किसी को, मॉर्निंग शिफ्ट का कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ हमेशा जब भी एग्ज़ाम एनालिसिस चलता है तो बहुत सारे यूट्यूबर पहले से ही क्या करते हैं, पहले से ही जो रिकॉर्ड रहता है दूसरे एग्ज़ाम का उसको डाल देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट है। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ, अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान ने प्रश्न भी बता दिए, ये भी बता दिया कि जो हमने पढ़ाया है वही आया है, और बच्चों के से भी बात करा दी जिनके नंबर आए हैं उनके नंबर भी बता दिए और सब कुछ बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन आए हैं, सारा एग्ज़ाम एनालिसिस करा दिया। और काफ़ी बड़ी कोचिंग थी, एक कोचिंग तो राजस्थान की सबसे बड़ी कोचिंग है वो एमपी में आई है, उन्होंने भी एनालिसिस करा दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोचिंग है वो एमपी में आई, उसने भी एनालिसिस करा दिया। देश की अभी बहुत बड़ी कोचिंग है 24/7 वाली, उसने भी एनालिसिस करा दिया, उसने भी सारे क्वेश्चन बता दिए, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से जितना डेटा मुझे मिला है कि 14 दिन आपकी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और 14 दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, ये एक अखबार की कटिंग में से मैंने निकाला है, ये एक स्टूडेंट ने भेजा था। तो अभी फर्स्ट शिफ्ट का मुझे कहीं से भी कोई भी एनालिसिस नहीं मिला है। सेकंड शिफ्ट आपकी 2:30 बजे छूटेगी और उसमें बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप में से किसी भी आपके किसी मित्र का या आपका ही पेपर सेकंड शिफ्ट में है, थर्ड शिफ्ट में है, कभी भी है किसी भी दिन, तो आप इस नंबर पे 8839449109 पर हमको प्रश्न जरूर भेजिएगा। हम एनालिसिस तभी कराते हैं जब हमको बिल्कुल ऑथेंटिक 4 जगह से कंफर्म हो के प्रश्न आते हैं, ताकि आपको वही प्रश्न मिले जो पेपर में पूछे जा रहे हैं और आपको उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।